उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन स्टाफ ने फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों को फंसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही इस गैंग के एक आरोपी आसिफ खान को राजस्थान से गिरफ्तार भी किया है। आरोपी लोगों का व्हाट्सएप नंबर लेकर उनसे आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्डिंग कर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। दरअसल पीड़ित द्वारा पुलिस को एक शिकायत की गई थी, जिसमें उसने बताया कि गैंग के द्वारा उसके साथ सेक्सटॉर्शन की वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए सुनाते हैं क्या है पूरी वारदात। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने एक गैंग बस्ट किया है, जो कि भोले भाले लोगों को ऑनलाइन वीडियोस हनी ट्रैप के थ्रू उनके बना के और फिर उनसे एक्सटॉर्शन करता था और उससे उन्होंने पैसे हड़पे थे, जो कि गैंग अभी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने मेवात राजस्थान से और भरतपुर एरिया से बस किया। हमारे पास एक कंप्लेंट आती है जिसमें ये बताते हैं कि जो विक्टिम है कि उनका एक ऑब्सीन वीडियो जो कि कोई क्राइम ब्रांच और यूट्यूब के लीगल ऑफिशियल्स के नाम पे कोई फ़ोन करता है कि आपका ऑब्सीन वीडियो है और आप इतने पैसे चाहिए। हमने उस पर एक्सटेंसिव जो मनी ट्रेल जो कि इन्होंने पैसा दिया था और जो टेक्निकल और जो इसकी एनालिसिस है, सर्वेलेंस है, उसके द्वारा एक भरतपुर राजस्थान में एक लड़के पे ज़ीरो इन किया। जब उसको हमने नैप किया, उसके फ़ोन से हमें कनेक्ट हुआ। ये लोग क्या करते हैं कि एक ऑनलाइन कोई वीडियो जो कि पॉर्न वीडियो होता है वो लेकर उसके जो बीच में एक्ट करते हुए जो लड़की होती है उसकी फ़ोटो फेसबुक पे उसका आईडी बनाते हैं। फिर ये जो भोले वाले लोग ढूंढते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनसे दोस्ती बनाते हैं, फिर इनसे फेसबुक मैसेंजर के थ्रू चैट करने के बहाने आते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर पे आते हैं और जो ये पॉर्न वीडियो होते हैं ये चलाते हैं और जो विक्टिम है वो हनी ट्रैप हो जाता है। वो अपना कोई ऑब्सीन एक्ट करते हुए या वैसे ही वो देखते हुए अगर उसको करता है तो उसकी ये रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर ये उसको एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें हमने आसिफ खान नाम का एक लड़का पकड़ा है, जिसकी उम्र 26 साल है और ये भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। इससे 3 मोबाइल फ़ोन, 9 सिम कार्ड और 2 बैंक अकाउंट पकड़े हैं। इसके जो मोबाइल से हमें और भी काफ़ी डेटा मिला है, इस पर तफ्तीश जारी है और विक्टिम्स को पकड़ जो है ढूंढने की और इसके जो एसोसिएट हैं उनको पकड़ने के लिए। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए खाते में 26 लाख रुपए जमा किए, साथ ही एक महीने के अंदर उन पैसों को निकाला भी गया है। पुलिस की जांच में जानकारी मिली कि सराय रोहिल्ला निवासी ये पैसे जबरन वसूले जा रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने एक अलग मुकदमा दर्ज किया और उसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 2 बैंक अकाउंट की डिटेल भी बरामद की गई है, जिसके आधार पर आगे की जांच लगातार जारी है। पुलिस पूछताछ कर इस गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट।